सिर्फ मामा भांजे पर नहीं गिरती बिजली, वैज्ञानिकों ने खुले ऐसे राज नहीं होगा यकीन। बिजली गिरने को लेकर हमारे समाज में तमाम धारणाएं सुनने को मिलती हैं। कई लोगों का मानना है कि जब कभी मामा भांजा एक साथ कहीं जा रहे हों तो उन पर बिजली गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। वहीं कुछ लोगों का यह मानना है कि अक्सर काले सांप पर बिजली गिरती है। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों का मानना है कि काली चीजों पर बिजली ज्यादा गिरती है। यह धारणाएं मिथ्या के अलावा कुछ नहीं है। बिजली का कोई ठिकाना नहीं रहता, वह जब गिरती है तो किसी पर भी गिर सकती है। आज हम आपको बिजली को लेकर कई ऐसे फैक्ट बताने जा रहे हैं जो वैज्ञानिक रूप से सही और सटीक साबित हुई हैं। इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने आकाशीय बिजली का सामना नहीं किया हो। बिजली के गिरने पर डरना लाजमी है, लेकिन आकाशीय बिजली कितनी खतरनाक, इस बात का शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा। आपको बता दें कि हर साल हजारों लोग आकाशीय बिजली के कारण मर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिजली केवल मनुष्यों पर ही गिरती है, वह किसी भी जीव पर गिरकर उसे खत्म कर सकती है। बता दें कि बिजली की एक चमक में 1 अरब वोल्ट के करीब ऊर्जा पाई जाती है। कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि बिजली क्यों गिरती है, कैसे बनती है? बता दें कि वैज्ञानिक भी निरंतर इसी कोशिश में हैं कि वे आकाशीय बिजली के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर सकें। कई वर्ष से वैज्ञानिक इस कोशिश में लगे हैं कि बिजली गिरने का समय और स्थान की सटीक जानकारी उन्हें हासिल हो जाए, लेकिन अध्ययन में करोड़ों डॉलर खर्च करने के बावजूद अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि मौसम में साल दर साल आ रहे बदलाव से बिजली गिरने की आशंकाएं ज्यादा बढ़ी हैं। उनका मानना है कि ऐसा ही रहा तो बिजली के गिरने की संभावनाएं आने वाले सालों में और बढ़ जाएंगी। बिजली को लेकर कभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वह किस पर गिरेगी, लेकिन जब भी बिजली गिरे तो कोशिश करनी चाहिए कि खुले में न जाएं और किसी पेड़ के नीचे भी न रुकें।